हाय एवरीवन, तो आज मैं लेके आई हूँ आपको अपने प्रोजेक्ट त्रिशला सिटी में फिर से। मेरा नाम अमनदीप कौर है, मैं सेल्स मैनेजर हूँ यहाँ पे त्रिशला सिटी में। तो आज मैं एक्सप्लेन करूँगी अपना प्रोजेक्ट त्रिशला सिटी जो हमारा बना हुआ है 12.5 एकड़ में। और सबसे पहले मैं आपको इसकी लोकेशन बताऊँगी। ये हमारा हाई ग्राउंड रोड ऑन पटियाला हाईवे पर है, जीरकपुर में, नियर एयरफोर्स स्टेशन रोड। तो आज मैं आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताऊँगी जिसके अंदर हम 3 और 4 BHK कैटेगरीज लेके आ रहे हैं फुली लग्जरी सिस्टम के साथ। अंदर आप देख सकते हैं हम 450 फैमिलीज हमारे पास अभी अंदर रह रही हैं जो हमने 8 टावर डिलीवर कर दिए हैं। और जो हम 3 और 4 BHK लग्जरी कंसेप्ट लेके आ रहे हैं उसके अंदर भी हमारे पास करीब 8 टावर अंडर कंस्ट्रक्शन है जो हमने अभी लॉन्च करे हैं 3 और 4 BHK। जैसे ही हम आप हमारी सोसाइटी के अंदर एंटर करेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे हमारी यहाँ पे कमर्शियल साइट आ जाती है जिसके अंदर हमने 15 शॉप्स दी हैं जो सारी की सारी ऑपरेशनल हैं। इसके अंदर ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, सैलून है, बुटीक है, तो आपको किसी भी चीज़ के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ही आप देख सकते हैं हमारा पूरा पार्क स्टार्ट हो जाता है जो 4.5 एकड़ में हमारा पूरा पार्क बना हुआ है जिसके अंदर हमने स्पोर्ट्स एरिया दिया है, क्लब हाउस दिया है, स्विमिंग पूल एरिया दिया है और इसी के अंदर हमने 1.5 किलोमीटर का जॉगिंग ट्रैक दिया है। तो अभी मैं आज आपको दिखा रही हूँ अपना इवनिंग व्यू। आप देख सकते हैं त्रिशला सिटी में इस टाइम कितनी रौनक है, कितनी लाइटिंग हो रखी है। तो अभी हम एंटर कर रहे हैं पार्क के अंदर। यहाँ पे ये हमारा 1.5 किलोमीटर का जॉगिंग ट्रैक बना हुआ है। उसके बाद आ जाता है हमारा स्पोर्ट्स एरिया जिसके अंदर हमारे पास क्रिकेट पिच है, बास्केटबॉल पिच है और बच्चों के खेलने के लिए हमने काफ़ी अच्छा उनके लिए झूले वगैरह लगा रखे हैं पूरे पार्क के अंदर। और हर जगह पर हमारे गजीबोज़ बने हुए हैं सिटिंग के लिए, तो वो भी हमने ग्रीन एरिया के साथ कवर कर रखे हैं। और साथ ही हमारा फाउंटेन एरिया आ जाता है यहाँ पे। और इसी के साथ हमने यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट बना रखा है, यहाँ पे हमने लिख रखा है आई लव त्रिशला। यहाँ पे हमारा ये फाउंटेन एरिया आ गया और यहाँ पे मैं अभी खड़ी हूँ, ये हमारा सेल्फी पॉइंट है। तो इसके पीछे ही आप देख सकते हैं हमारा स्विमिंग पूल आ गया, हमने काफ़ी बड़े साइज़ का स्विमिंग पूल एरिया दिया है। और इसी के सामने हमारा क्लब हाउस बना हुआ है जो हमारा ऑपरेशनल क्लब हाउस है। आप स्विमिंग पूल एरिया देखेंगे तो यहाँ पर हमने सिटिंग एरिया दिया हुआ है पार्टीज़ वगैरह करने के लिए, तो गजीबोज बने हुए हैं प्रॉपर यहाँ पर। तो अभी हम चले हैं अपने क्लब हाउस के अंदर। क्लब हाउस के अंदर हमारे पास ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर पे पूरा हमने जिम दे रखा है और इंडोर गेम्स आ जाती हैं। और फर्स्ट फ्लोर पे हमारा पूरा पार्टी हॉल बना हुआ है जिसके अंदर आप 100 पीपल्स की गैदरिंग कर सकते हो। कोई आप एनिवर्सरी बर्थडे पार्टी आप करना चाहते तो वो ईज़िली हो जाती है यहाँ पर। यहाँ पे हमने छोटे बच्चों के लिए एक गेमिंग जोन बना रखा है, आप देख सकते हैं ये भी हमने काफ़ी अच्छा और सुंदर बनाया हुआ है। और साथ में हमारे गजीबोज आ जाते हैं, यहाँ पे सिटिंग एरिया हमने बनाया हुआ है एल्डर्स के लिए। और सामने बिल्कुल आप देख सकते हैं जो हमने बड़े बच्चों के लिए स्पोर्ट्स एरिया बनाया हुआ है और साथ में हमारी क्रिकेट पिच आ जाती है। अभी हम चल रहे हैं अपने सैम्पल फ्लैट की ओर, बट उससे जाने से पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी हम जा रहे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास फैमिलीज़ रह रही हैं, 450+ फैमिलीज़ हैं हमारे पास अभी अंदर। तो अभी हम चलते हैं अपने 4 BHK सैम्पल फ्लैट के अंदर। तो आप देख सकते हैं ये हमारा 2530 स्क्वायर फीट एरिया बना हुआ है सैम्पल फ्लैट में। Unlocked.
सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी अपने डोर के बारे में। ये हमारा स्टील का डोर रहेगा, 8 फीट का डोर है, तो ये हम एज इट इज़ डोर बना के देंगे। और उसके बाद आप देख सकते हैं हमने काफ़ी बड़ा स्मार्ट डोर लगा के दिया है जो विद फिंगरप्रिंट्स, कीपैड एंड मोबाइल के साथ ऑपरेट होगा। उसके बाद ही आपके घर में कोई भी अंदर आ सकता है। अभी हम करते हैं एंट्री अपने घर के अंदर। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा और स्पेसियस हमने ड्राइंग एरिया दे दिया है, जिसके अंदर 10 सीटर हमने सोफ़ा लगा रखा है। और उसी के साथ हमने डाइनिंग एरिया दिया है, जिसके अंदर हमने 6 सेट डाइनिंग टेबल लगा रखा है। और पूरे घर के अंदर हम आपको फॉल सीलिंग करके देंगे। और जो भी आप लाइटिंग देख रहे हैं, एज इट इज़ हम आपको लाइटिंग प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ आप देख सकते हैं हम सारी लाइट्स से टच सेंसर प्रोवाइड कर रहे हैं, जो अलेक्सा के साथ कनेक्टेड रहेंगी। यहाँ पे आ गया हमारा डाइनिंग एरिया, जो 6 सीटर डाइनिंग एरिया हमने लगा रखा है। तो इसी के साथ अटैच्ड हमारी बैल्कनी है, जिसके अंदर हमने एक अच्छी स्पेस दी है स्टोर के लिए। तो आप देख सकते हैं एक कॉर्नर में हमने स्टोर दे दिए, यहाँ पे हम आपको पूरा स्टोर बना के देंगे। तो अभी मैं दिखाती हूँ अपनी किचन, जो बहुत ही बड़े साइज़ की और बहुत ही ब्यूटीफुल किचन हमारी बनी हुई है। हम ये ओपन किचन कंसेप्ट में लेके आए हैं, तो आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर कलर और हाइड्रोलिक एंड सॉफ्ट क्लोज़र हम आपको किचन पूरी लगा के दे रहे हैं। हम आपको जो किचन प्रोवाइड कर रहे हैं वो फुली मॉड्यूलर किचन रहेगी, जिसके अंदर हम आपको चिमनी लगा के देंगे, हॉब लगा के देंगे, इसके अंदर हम माइक्रोवेव रहेगा। और इसी के साथ हम आपको लगा के देंगे डिशवॉशर, जो कंप्लीट एज इट इज़ रहेगा। और आपको साथ में आरओ लगा के दे रहे हैं, जो हिडन आरओ भी रहेगा आपका साथ में। यहीं पे हमने आपको स्पेस दे दी है फ्रिज के लिए, तो यहाँ पे भी काफ़ी बड़े साइज़ की फ्रिज आपकी आ जाएगी। और साथ में हमने काफ़ी बड़े साइज़ की विंडो दी है, ताकि आपके किचन के अंदर सनलाइट प्रॉपर रहे। और साथ में आप देख सकते हैं हमने क्रॉकरी बॉक्स बनाए हुए हैं, तो इसके अंदर आपकी सारी क्रॉकरीज आ जाएंगी। साथ ही में आप देख सकते हैं हम आपको एक बहुत ही सुंदर ब्रेकफास्ट काउंटर लगा के दे रहे हैं। तो ये किचन एज इट इज़ हम आपको कंप्लीट बना के देंगे। अभी आपने देखा हमारा किचन, तो अभी चलते हैं हम आपको फैमिली लॉन्च एरिया की साइड लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हमने काफ़ी अच्छी स्पेस दे दी है, जिसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे अभी हमने 5 सीटर सोफ़ा लगा रखा है, और इसी के साथ हमने यहाँ पे एक आपको बार के लिए स्पेस दे दी है। तो यहाँ पर आप बार बना सकते हो आप अपना। तो अभी मैं लेके चलती हूँ आपको अपने फर्स्ट बेडरूम की ओर, जो हमारा रहेगा गेस्ट बेडरूम। जैसे ही आप घर के अंदर एंटर करेंगे, तो हमारा फर्स्टली आ जाएगा गेस्ट बेडरूम, जिसके अंदर हम पूरे रूम के अंदर एज इट इज़ फॉल सीलिंग आपको करके देंगे। एसी हमारे लगे रहेंगे, जो ऑल वेदर एसी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उसी के साथ आप देख सकते हैं हम आपको फुल लेंथ कबर्ड्स दे रहे हैं, जो एज इट इज़ कम्प्लीट हमारी कबर्ड्स रहेगी विद लाइटिंग। एंड इसी के साथ हमारा फुल लेंथ ड्रेसिंग मिरर रहेगा, और इसके पीछे भी हमने काफ़ी अच्छी स्पेस दे दी है आपको। इसी के साथ अभी चलते हैं हम इसके वॉशरूम के अंदर। तो आप देख सकते हैं वॉशरूम साइज़ हमने काफ़ी अच्छा दे दिया है, और ये कंप्लीट वॉशरूम एज इट इज़ हम आपको प्रोवाइड करेंगे विद टच सेंसर लाइट मिरर के साथ। लुकिंग मिरर एज इट इज़ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इसके साथ। सारी जो फिटिंग्स रहेंगी वो जैगुआर की फिटिंग्स रहेंगी। तो गेस्ट बेडरूम के साथ भी हमने एक प्रॉपर गेस्ट बैल्कनी दी है,
जो हम आपको एज इट इज प्रोवाइड करेंगे। अभी हम आते हैं अपने गेस्ट बेडरूम से बाहर एंड चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा सेकंड बेडरूम, जो हमारा कंप्लीट एज इट इज़ हम आपको फॉल सीलिंग के साथ दे रहे हैं, जिसके अंदर हम फुल लेंथ आपको कबर्ड्स एज इट इज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कंप्लीट कबर्ड्स हमारी एज इट इज़ रहेंगी। और इसके साथ ही हम आपको दे रहे हैं हर कबर्ड्स के साथ ज्वेलरी बॉक्सेस जो लॉकेबल रहेंगे। इसके अंदर भी ड्रेसिंग एरिया फुल लेंथ रहेगा और पीछे हमने इसके भी स्पेस दे दिए। अभी चलते हम अपने वॉशरूम की तरफ, जो हमारा कंप्लीट वॉशरूम एज इट इज़ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं विद लुकिंग मिरर, वैनिटीज एंड जैगुआर की फिटिंग रहेगी। तो अभी आपने देखा हमारा सेकंड बेडरूम, तो अभी हम चलते हैं आप मास्टर बेडरूम की तरफ। मास्टर बेडरूम के अंदर आप देख सकते हैं जो हम आपको फ्लोरिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ये वुडन स्टाइल की टाइल्स हम आपको लगा के देंगे, ये वुडन फ्लोरिंग नहीं है। और इसी के साथ आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा रूम है और इसके अंदर हमने दो मास्टर चेयर भी लगा दी हैं। और सबसे बड़ी बात, हमने जो इसकी कबर्ड्स हैं वो वॉशरूम के अंदर कर दिए हैं, तो इसके साथ आपकी स्पेस और भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसका वॉशरूम साइज़ आप देख सकते हैं, हमने काफ़ी बड़ा साइज़ वॉशरूम का दिया है और फुल लेंथ कबर्ड्स आपको प्रोवाइड करी है। तो मास्टर बेडरूम के अंदर जो हम आपको फिटिंग्स दे रहे हैं, ये हमारी गोल्ड प्लेटेड की जैगुआर फिटिंग्स रहेंगी जो हम एज इट इज़ आपको प्रोवाइड करेंगे। अभी हमने देखा अपना मास्टर बेडरूम, तो अभी चलते हैं हम अपने फोर्थ बेडरूम की तरफ। बट सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी, ये हमारा कॉमन गेस्ट वॉशरूम आ गया, जो हमारा कंप्लीट वॉशरूम रहेगा और हम सारे वॉशरूम्स के अंदर आपको सेंसर लाइट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और ये कंप्लीट जैगुआर की फिटिंग के साथ रहेगा। बेडरूम में एंटर करते ही हमने काफ़ी बड़ा लुकिंग मिरर दे दिया है, जो एज इट इज़ कंप्लीट मिरर रहेगा। तो इस रूम के अंदर हमने आपको बहुत ही सुंदर डिज़ाइनर कबर्ड्स दी हैं, जो कंप्लीट एज इट इज़ हम कबर्ड्स आपको प्रोवाइड करेंगे एंड फॉल सीलिंग भी आपकी कंप्लीट रहेगी इसके अंदर। तो अभी चलते हैं हम अपनी बालकनी के अंदर, जो हमारी रनिंग बालकनी रहेगी, थ्री बेडरूम के साथ कनेक्टेड रहेगी, मास्टर बेडरूम, सेकेंड बेडरूम एंड थर्ड बेडरूम के साथ। तो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े साइज़ की हमने बैल्कनी दी है, जो रनिंग रहेगी पूरी, इधर से हमारे थर्ड बेडरूम के साथ कनेक्टेड बैल्कनी रहेगी। इसी बैल्कनी के अंदर हमने आपको दे दिया एक कॉर्नर में वॉशिंग एरिया, जो इसी बैल्कनी के अंदर रहेगा साइड पे। तो अभी आपने देखा हमारा 4BHK सैम्पल फ्लैट, तो आपकी कोई भी क्वेरी होती है हमारे फ्लैट के रिगार्डिंग, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।